हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एपीए मैथ्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इस तरह से हमने नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है, किस तरह की इक्वेशंस हमारे पास होती हैं। ठीक है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वो होती है जहाँ पर हर टर्म के अंदर सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव होता है। नॉन होमोजीनियस में सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव आपको हर टर्म में नहीं मिलेगा। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर हम बात करें डी स्क्वायर माइनस डी डैश प्लस फोर इंटू जेड इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट टर्म में आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड टर्म में आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, तो हर टर्म में सेम ऑर्डर का डेरिवेटिव नहीं है, तो ये हमारी नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो आज की इस वीडियो में कुछ इस तरह की ही इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। कैसे हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना है, दोनों के रूल्स की हमने बात करनी है। ठीक है, तो रूल्स फॉर फाइंडिंग सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबसे पहले जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, हमें पता है कि ये दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ एफ ऑफ डी डी डैश इनटू जेड इज इक्वल टू जीरो। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो सबसे पहला काम, सबसे पहला स्टेप आपका क्या है कि आपने इस फंक्शन को रिजॉल्व करना है लीनियर फैक्टर्स में। ठीक है, रिजॉल्व एफ डी डी डैश इन लीनियर फैक्टर्स इन डी एंड डी डैश। ठीक है, तो कुछ आपके पास कुछ इस तरह के फैक्टर्स बनेंगे, ए वन डी माइनस बी वन डी डैश माइनस सी वन, ए टू डी माइनस बी टू डी डैश माइनस सी टू इन टू जेड इज इक्वल टू जीरो। कुछ इस तरह के फैक्टर्स आपके पास आ जाएंगे। तो इस तरह के फैक्टर्स आने के बाद बच्चे हमने सी एफ को कैसे लिखना है, तो फॉर्म ऑफ द लीनियर फैक्टर। अगर आपकी इसकी लीनियर फैक्टर्स की फॉर्म इस तरह से बन रही है, ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी, इस फैक्टर के कॉरस्पॉन्डिंग जो सी एफ लिखेंगे आपने यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू को उठा लेना है। तो सी एफ लिखने का तरीका क्या है, ई रेज टू द पावर सी अपॉन ए इंटू एक्स फाई ऑफ बी एक्स प्लस ए वाई। ठीक है, और यू कैन से ए वाई प्लस बी एक्स। ठीक, अगर इसकी पावर आर है, यानी कि सेम सेम फैक्टर्स बन रहे हैं, मान लो स्क्वायर बन जाए, क्यूब बन जाए, ठीक है, तो उस केस में आपने क्या करना है, सी एफ आप कैसे लिखेंगे। सबसे पहले ये जो कांस्टेंट वैल्यू है ई रेज टू द पावर सी अपॉन ए एक्स, ये आपका बाहर आ जाएगा फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स। ऐसे इसको याद करेंगे, ए वाई प्लस बी एक्स प्लस, क्योंकि सेम फैक्टर्स हैं, कितने फैक्टर हैं यहाँ पर, आर फैक्टर्स हैं, तो x से मल्टीप्लाई सेम वैल्यू आ जाएगी फाइव टू ऑफ ए वाई प्लस बी एक्स प्लस नेक्स्ट आपका एक्स स्क्वायर आएगा फाइव थ्री ए वाई प्लस बी एक्स। ये डिपेंड करता है कि जो r टाइम्स जो वैल्यू, यानी कि जो सेम सेम फैक्टर्स आ रहे हैं वो हैं कितने हमारे पास, दो हैं, तीन हैं, चार हैं, तो वो डिपेंड कर रही है आपकी कितने ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अगर आपकी सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो ही फैक्टर्स बनेंगे आपके सेम सेम, तो यहाँ तक आपका आंसर खत्म हो जाएगा। अगर तीन फैक्टर्स बन रहे हैं सेम, बिल्कुल रिपीट हो रहे हैं, तो आपका यहाँ पर एक्स स्क्वायर और आ जाएगा। ठीक है, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर आपको सी नहीं मिलता, या फिर कहीं 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 पर आपको बी नहीं दिखाई दे रहा, या ए और बी दोनों जीरो हो जाते हैं, तो वो वाले ये वही केसेस है, यहीं से आए हैं। तो जैसे ही जब आप डी, सिर्फ आपका फैक्टर जो है सिर्फ अकेला डी है, तो डी के कॉरस्पॉन्डिंग आप सी एफ कैसे लिखेंगे, डी के कॉरस्पॉन्डिंग यानी कि बी और सी जीरो हो रखे हैं, तो बी और सी को यहाँ पर जीरो कर दो, बी और सी को जीरो किया तो क्या बचा आपके पास, ई रेज टू द पावर जीरो मीन्स वन, फाइव b की वैल्यू आपने जीरो कर दी तो क्या बचा आपके पास, ए वाई यानी कि फाई ऑफ y, फंक्शन ऑफ y आ जाएगा। d की पावर r हो सकता है, d स्क्वायर बाहर आ गया हो या वो d क्यूब बाहर आ गया हो, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप सी एफ कैसे लिखेंगे, तो जैसे जैसे जितनी भी पावर है, d स्क्वायर है तो दो बार लिख देंगे x से मल्टीप्लाई करके, d क्यूब है तो तीन बार लिख देंगे, x स्क्वायर से और मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही ए डी माइनस सी टाइप का भी बन सकता है कोई फैक्टर, ए डी माइनस सी यानी कि बी जीरो है, तो इसके अंदर बी को जीरो रख दो, ई रेज टू द पावर सी अपॉन ई एक्स, और बी को आप जीरो रख रहे हैं तो फाइव ए वाई। तो यहीं से आप इसको लिखना सीख लीजिए कि भाई ये फैक्टर है और ये फैक्टर है, तो आपने इस तरह से सी एफ को लिखना है। बाकी जो है इसी के सब केसेस हैं कि ए को जीरो बना दिया, बी को जीरो रख दिया, सी की वैल्यू जीरो रख दी, कहीं पर आपको ए नहीं मिल रहा, कहीं बी नहीं मिल रहा, कहीं सी नहीं मिल रहा, ऐसे ही माइनस बी डी डैश माइनस सी इस टाइप का हो सकता है, कहीं पर आपको जो है डी डैश टाइप का मिल सकता है। डी डैश में आप सी एफ कैसे लिखेंगे, सम फंक्शन ऑफ एक्स आ जाएगा, डी डैश का स्क्वायर हो सकता है,
इसमें माइनस होता है, डी डैश के साथ माइनस आएगा हमेशा, माइनस डी डैश का स्क्वायर मिल सकता है आपको। उस केस में आप क्या लिखेंगे, 5 1x प्लस y से मल्टीप्लाई कर देंगे 5 2x प्लस प्लस अप टू सो ऑन। तो ये आपने सिर्फ ये दो केसेस पे ध्यान देना है कि ये फैक्टर आपने लीनियर इस फॉर्म का बनाना है, वहां से आप ए बी सी की वैल्यू कंपेयर कर लेंगे, वो जीरो हो सकती है, कोई कांस्टेंट हो सकती है, ठीक है। तो इस तरह से हम सी एफ लिखेंगे। कई बार क्या होता है बच्चे कि जब आप लीनियर फैक्टर्स बनाने के लिए जाते हैं, एफ डी डी डैश के लीनियर फैक्टर जब आप बना रहे हो, तो वो लीनियर फैक्टर बनते ही नहीं है किसी भी तरीके से। जब पॉसिबल ही ना हो लीनियर फैक्टर्स बनाना, तो सी एफ आप कैसे लिखेंगे। वो केस आता है हमारे पास इफ एफ डी डी डैश कैन नॉट रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। जब आप उसको लीनियर फैक्टर में नहीं निकाल सकते हो, रिजॉल्व नहीं कर सकते हो, तो उस केस में आपने z को लिख देना है a e raise to the power h x plus k y, ठीक है। तो आपको क्या क्या चाहिए, आपको जरूरत पड़ सकती है dz की, d square z की आपको जरूरत पड़ सकती है, क्वेश्चन में क्वेश्चंस करेंगे तो और क्लियर होगा। d dash z आपको चाहिए होगा, डी डैश चाहिए होगा आपको, ठीक है। डी डैश स्क्वायर ये भी वैल्यू आपको मिल सकती है। तो कैसे कैसे निकालेंगे ये वैल्यू, डी जेड का मतलब क्या है, डी का मतलब क्या है, डेल ओवर डेल एक्स ऑफ जेड, यानी कि जेड का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ये जो जेड आपको दिखाई दे रहा है, इसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स। जब आप एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ए कॉन्स्टेंट है, ई रेज टू द पावर का डेरिवेटिव एज इट इज ई रेज टू द पावर, पार का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो एच आ जाएगा साथ में, ठीक है। डी स्क्वायर का मतलब है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो एक और एच आ जाएगा, तो ए एच स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। डी डैश का मतलब है डेल ओवर डेल वाई, डी डैश का मतलब है डेल ओवर डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो के आ जाएगा, ई रेज टू द पावर तो एज इट इज, ठीक है। और पार का जब आप डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ y नहीं है तो इसका जीरो हो जाएगा, यहाँ पर y की का के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो k जो है साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऐसे ही डी डी डैश का मतलब है डेल स्क्वायर डेल x डेल y, इसका मतलब है ये, तो इसमें क्या होगा a h k आ जाएगा, यानी कि x के रिस्पेक्ट में करिए और फिर उसको y के रिस्पेक्ट में करिए, तो इसको जब आप y के रिस्पेक्ट में करेंगे तो k और आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही डी डैश स्क्वायर का मतलब है डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, वाई के रिस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, मीन्स ए के स्क्वायर ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। तो ये सारी वैल्यूज उठा के आपका जो सॉल्यूशन बनता है, जो सी एफ बनता है, जेड इज इक्वल टू समीशन ए ई रेज टू द पावर एच एक्स प्लस के वाई। इस केस में ये आपका सी एफ बन जाता है। यहाँ से आपको एक कंडीशन मिलेगी, क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा किस तरह से आपने लिखना है सी एफ को, ठीक है। तो जब ये कब है, व्हेन एफ डी डी डैश कैन नॉट रिजॉल्व इनटू लीनियर फैक्टर्स। चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चन से पहले रूल्स फॉर फाइंडिंग पी आई, क्योंकि पी आई भी निकालना है हमने, तो साथ साथ चलेंगे क्वेश्चन में। तो लिखिए रूल्स फॉर फाइंडिंग पी आई। हाँ जी, पी आई निकालने के लिए, क्योंकि हमें पता है पी आई इज इक्वल टू है आपके पास 1 अपॉन एफ डी डी डैश इनटू राइट साइड में जो भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई पड़ा है, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल टोटली डिपेंड करता है इस फंक्शन के ऊपर कि ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल है, ट्रिग्नोमेट्रिक है, साइन और कॉस की फॉर्म में, या फिर ये फंक्शन एक्स रेज टू द पावर एम वाई रेज टू द पावर एन है, या फिर अदर कोई फंक्शन है। तो उस केस में हम पी आई के लिए हमारे पास जो रूल्स बनते हैं हर केस के लिए अलग अलग बनते हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं फॉर्म ऑफ एफ एक्स वाई, सपोज ये आपका ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई है, देन पी आई इज इक्वल टू, हाँ जी, 1 अपॉन एफ डी डी डैश इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। एक्सपोनेंशियल के लिए रूल ये कहता है कि डी की जगह आप रख दो ए, डी की जगह आप रख दो ए, एंड डी डैश की जगह आप रख दो बी,
ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, ये आपका पी आई आ जाएगा। कंडीशन क्या है यहाँ पर, एफ ऑफ ए बी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ठीक है जी। ये फर्स्ट फॉर्म। सेकेंड फॉर्म है, फॉर्म ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई इज साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कॉस ए एक्स प्लस बी वाई, ये डिवाइड में नहीं है और है, ये टाइप हो सकती है या ये टाइप हो सकती है। तो पी आई जब हम निकालते हैं तो वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश इंटू साइन ए एक्स प्लस बी वाई और कोस ए एक्स प्लस बी वाई, इनमें से दोनों में से कोई भी फॉर्म पड़ी है तो आपने क्या करना है, डी स्क्वायर को माइनस ए स्क्वायर रखना है, डी डी डैश को माइनस ए भी रखना है। सेम होमोजीनियस वाले ही रूल्स यहाँ पर लगेंगे पी आई के लिए, और डी डैश स्क्वायर की जगह माइनस बी स्क्वायर रख देना है। थर्ड पार्ट आपका क्या बनता है, एक्स रेज टू द पावर एम एंड वाई रेज टू द पावर एन, तो वन अपॉन एफ डी डी डैश इंटू एक्स रेज टू द पावर एम वाई रेज टू द पावर एन, ये आपका पी आई है। पी आई इज इक्वल टू दिस वन। तो इस केस में आपने क्या करना है, फंक्शन ऑफ डी डी डैश को आपने एक्सपेंड करना है, एक्सपेंड एफ डी डी डैश इन द असेंडिंग पार्ट्स ऑफ, असेंडिंग पार्ट्स ऑफ डी अपॉन डी डैश और डी डैश अपॉन डी, दोनों केस में आपका आंसर अलग अलग आएगा पी आई, कोई इशू नहीं है, कोई भी आप लगा सकते हैं। डी अपॉन डी डैश की पार्ट्स में आप उसको, असेंडिंग पार्ट्स में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, या फिर डी डैश अपॉन डी की असेंडिंग पार्ट्स में आप उसको एक्सपेंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है फोर्थ, वी इंटू ई रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, वी इंटू e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई। इस केस में अगर इस ऐसा आपके पास कोई भी आए जहां पर v क्या है, एनी फंक्शन ऑफ x एंड y, तो यहां पर हमने क्या करना है, इसको आप आगे ले आएंगे, पी आई जब निकालेंगे बच्चे तो क्या आएगा, वन अपॉन फंक्शन ऑफ d d डैश इंटू v e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, दैट इज इक्वल टू, जब आप इसको इधर लेके आ रहे हैं e रेज टू द पावर ए एक्स प्लस बी वाई, तो क्या चेंज होगा, d की जगह आपने रख देना है d प्लस ए, d डैश की जगह रख देना है d डैश प्लस b। अगर अकेला एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो d को a से रिप्लेस कर देंगे, d डैश को b से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसके साथ में अगर कोई फंक्शन ऑफ x एंड y पड़ा है तो इसको पहले आगे लेके आएंगे, तो आपको चेंज करना है d को d प्लस a से और डी डैश को डी डैश प्लस बी से इंटू वी। वी क्या है, कोई भी अगर फंक्शन हो सकता है, ई रेज टू द पावर का साइन कॉस हो सकता है, एक्स एक्स स्क्वायर वाई हो सकता है, एक्स वाई हो सकता है, कोई भी फंक्शन हो सकता है, तो इसको आगे जो है फर्दर इन्हीं रूल से हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए दो क्वेश्चन निकालते हैं इसके। क्वेश्चन लिखिए, सॉल्व द इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, सॉल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इंटू जेड इज इक्वल टू कॉस एक्स प्लस टू वाई, इंटू कॉस एक्स प्लस टू वाई, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या, आपने इसके लीनियर फैक्टर बनाने हैं, तो लीनियर फैक्टर बनाने सबसे पहले तो ये देखिए ये होमोजीनियस है या नॉन होमोजीनियस है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर, लेकिन यहाँ पर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सबसे पहला काम है ये जो एफ डी डी डैश आपको नजर आ रहा है, एफ डी डी डैश इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन, इसके
इसके आपने लीनियर फैक्टर करना है। अब लीनियर फैक्टर इसके कैसे आएंगे, अगर आप इन दोनों में से डी को कॉमन निकालते हैं, अगर आप डी को कॉमन निकालते हैं तो डी माइनस डी डैश प्लस यहाँ से कुछ कॉमन आ ही नहीं रहा तो इन दोनों से तो बात नहीं बनेगी। हम क्या करते हैं, फर्स्ट और लास्ट को उठा लेते हैं। ये है आपके पास डी स्क्वायर माइनस वन माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश, इसको फैक्टराइज किया तो डी माइनस वन इंटू डी प्लस वन, यहाँ से प्लस डी डैश कॉमन आया तो वन माइनस डी, ठीक है, डी माइनस वन डी माइनस वन। तो आप डी माइनस वन को अगर आप बाहर निकालते हैं तो ये बचेगा आपके पास डी प्लस वन माइनस डी डैश, क्योंकि ये डी माइनस वन है ये वन माइनस डी है, तो माइनस यहाँ से माइनस आपको कॉमन निकालना पड़ेगा डी डैश, ठीक है जी। तो फैक्टर बन गए आपके पास, एक तो बना है डी माइनस वन, दूसरा बना है आपके पास डी माइनस डी डैश प्लस वन। सी एफ लिखते हैं भाई, ध्यान से देखेंगे सी एफ, सी एफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आपने कंपेयर करना है डी ए डी माइनस बी डी डैश माइनस सी से, ठीक है। यहाँ पर डी की वैल्यू आपकी जीरो है तो आपके पास आता है ई रेज टू द पावर सी अपॉन ए, सी अपॉन ए तो वन अपॉन वन यानी कि एक्स, फाइव वन ए वाई प्लस बी एक्स तो ए वाई यानी कि वाई प्लस, इसके लिए सी एफ जब आप लिख रहे हैं तो ई रेज टू द पावर सी की वैल्यू माइनस वन तो माइनस एक्स इंटू फाइव टू, हाँ जी, ए वाई यानी कि वाई प्लस बी एक्स यानी कि वाई प्लस एक्स, तो ये आपका सी एफ आ गया। अभी हमने पीछे डिस्कस किया उसी रूल के अकॉर्डिंग हमने इसको लिख दिया सी एफ को। नाउ पी आई, पी आई इज इक्वल टू वन अपॉन फंक्शन ऑफ डी डी डैश दैट इज डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश प्लस डी डैश माइनस वन इंटू फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि राइट साइड में जो भी आपका एक्स वाई का फंक्शन है दैट इज कॉस एक्स प्लस टू वाई। अब क्योंकि हमें पता है कॉस ए एक्स प्लस बी वाई के लिए क्या रूल है, हमने डी स्क्वायर को रखना है माइनस ए स्क्वायर यानी कि माइनस वन, डी डैश स्क्वायर को रखना है माइनस टू स्क्वायर यानी कि माइनस फोर, एंड डी डी डैश को हमने रखना है माइनस टू, रख देते हैं वन अपॉन डी स्क्वायर की जगह आगे माइनस वन माइनस डी डी डैश की जगह आगे माइनस टू यानी कि प्लस टू प्लस डी डैश माइनस वन इंटू कॉस एक्स प्लस टू वाई दैट इज इक्वल टू, टू से टू कैंसिल आउट हो गया, वन अपॉन डी डैश इंटू कॉस एक्स प्लस टू वाई। हाँ जी, वन अपॉन डी डैश का क्या मतलब है, डी डैश का मतलब है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो वन अपॉन डी डैश का क्या मतलब है इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वाई ट्रीटिंग एक्स एज अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वन अपॉन डी डैश का मतलब है एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा आपका और आपने इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू वाई यानी कि कॉस एक्स प्लस टू वाई का इंटीग्रेशन, ठीक है जी। कॉस का जो इंटीग्रेशन होता है बच्चे ये होता है हमारे पास साइन एक्स प्लस टू वाई, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो डिवाइड बाई टू भी आ जाएगा, तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल, ये आपका सी एफ। नाउ द कंप्लीट सॉल्यूशन जेड इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई दैट इज इक्वल टू ई रेज टू पावर एक्स फाइव वन वाई ई रेज टू पावर माइनस एक्स फाइव टू वाई प्लस एक्स प्लस वन अपॉन टू साइन एक्स प्लस टू वाई। तो ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन बना गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो इस तरह से आपने निकालना है, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।